चलो जी सर, अब एक्टिविटी रेशियो देख लेते हैं। एक्टिविटी रेशियो को हम परफॉर्मेंस रेशियो बोलते हैं। ये रेशियो हमेशा किस में निकलते हैं? टाइम्स में। मैंने यहाँ पर टाइम्स भी लिखवाया था। एक्टिविटी रेशियो में पहला रेशियो हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ITR। ITR क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब COGS अलग अलग तरीके से निकलती है। COGS कैसे निकलती है? नेट सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट माइनस कर दो, या फिर सेल्स में ग्रोस लॉस ऐड कर दो, या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों? और अगर हम और बताएं, नए वाले तरीके से भी आपको बताया था मैंने, बताओ क्या बताया था नए वाले तरीके से? सी प्लस पी प्लस सी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बताया था? नहीं बताया था जी सर। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां से मिलने वाले हैं हमें? या तो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में वेजेस ढूंढो, या फिर अदर एक्सपेंसेस। मैंने यहाँ लिखवाया था ढूंढो, ढूंढना पड़ता है, ये डायरेक्टली नहीं मिलते हैं। अदर एक्सपेंसेस में आपको कैरिज इनवार्ड, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी वगैरह मिल जाएगा। और एवरेज इन्वेंट्रीज क्या होता है बताओ सारे बच्चे? एवरेज इन्वेंट्री होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय 2। बात आ रही है, समझ या नहीं आ रही? बोलो। ये रेशियो इंडिकेट करता है कि कितनी बार मैंने अपने एवरेज स्टॉक को सेल में कन्वर्ट किया। तो जितने ज़्यादा सेल होएंगी, उतना ही हमारा मैनेजमेंट एफिशिएंट है, उतनी हमारी सेल्स की टीम बढ़िया है, उतनी हमारा मतलब मैनेजमेंट बढ़िया है कि वो सेल बार बार जनरेट कर पा रहा है। समझ में आ रही है बात? इसके बाद फिर आपको एक रेशियो बताया था, इसमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो। कौन सा रेशियो बताया था? डेटर्स टर्नओवर रेशियो को हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल। डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और नेट क्रेडिट सेल या नया नाम क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। समझ में आ रहा है? नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलता है? टोटल सेल्स में से हम क्या माइनस करते हैं? कैश सेल्स। माइनस क्या करते हैं हम? सेल्स रिटर्न। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा? ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर। बैठ जाओ एक मिनट। ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय 2। बात आ रही है, समझ या नहीं आ रही? चलो जी सर, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये जी मैंने आपको समझाया 10 टाइम। तो हाउ मेनी टाइम? ये मैंने आपको समझाया भी था कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या इंडिकेट करता है। मैंने डेटर से कितनी बार पैसे कलेक्ट करे, मैं कितनी बार डेटर्स के घर गया और उनसे जाके क्या लेकर आया? पैसे लेकर आया। बात आ रही है समझ? बेटा प्रैक्टिस करनी होती है, फॉर्मूले तभी याद होते हैं, ठीक है ना? ऐसे याद नहीं हो जाते हैं। इसके बाद है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन मतलब ऑन एन एवरेज में कितने दिनों में गया, ऑन एन एवरेज कितने वीक में गया उनसे पैसे लेने। तो ये कैसे निकलता है? 365 डेज डिवाइडेड बाय DTR। वीक में निकालना होगा तो 52 वीक्स डिवाइडेड बाय DTR। मंथ में निकालना होगा तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय DTR। समझ में आ गई बात? जी सर। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बताइए, CTR क्या होता है? क्रेडिट कितने ऑन एन एवरेज मैंने कितनी बार पेमेंट करी, ठीक है? तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है बच्चों बताओ? नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। बोलो बच्चों, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अब वो कैसे निकलता है नेट क्रेडिट परचेज? टोटल परचेज में से क्या माइनस कर दीजिए? कैश परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। बोलो। और एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे निकलेगा? ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों बताओ? जी सर। तो ये रेशियो इंडिकेट करता है कि मैंने अपने क्रेडिटर्स को साल में कितनी बार पेमेंट करी। अब इसी से कनेक्टेड कौन सा रेशियो, आप नोटिंग कर लेना इनकी कॉपी में से, ठीक है? हाँ जी। इसके बाद बताइए इससे रिलेटेड कौन सा रेशियो है? एवरेज पेमेंट पीरियड। और एवरेज पेमेंट पीरियड क्या कहता है? ऑन एन एवरेज मैंने कितने दिनों में पेमेंट करी। तो वो जितना कम होगा उतना ही बेटर था, पहले वाला समझाया था, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम क्रेडिटर्स को क्या करें, पैसा दें। बोलो बच्चों। और एवरेज जब ये CTR जितना कम रहेगा उतना ही एवरेज पेमेंट पीरियड ज्यादा आएगा। तो एवरेज पेमेंट पीरियड कितने दिनों में पेमेंट करी, तो हम तो चाहेंगे साल में एक ही बार पेमेंट करनी पड़े। बोलो भाई। तो ये कैसे निकलता है? 365 डेज / 52 वीक्स या फिर 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय CTR। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसका मतलब है ऑन एन एवरेज में अपने क्रेडिटर्स को 36.5 दिनों में पेमेंट करता हूँ यहाँ पर, या 1.2 मंथ्स में, या फिर इसके बाद क्या था ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल वर्किंग ये क्या लिख रखा है? ये बस उल्टा सीधा जो मर्जी मन में आए लिखते रहो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है? नेट सेल्स डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। बताइए ये रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि हमारा मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, कि जो हमने वर्किंग कैपिटल का अमाउंट ब्लॉक करके हम कितनी सेल जनरेट कर पा रहे हैं। तो जितना ज्यादा होगा उतना ही बढ़िया है। बताओ खत्म हो गए तुम्हारे एक्टिविटी रेशियो? बताइए। ठीक है बच्चों, एक मिनट, अब एक मिनट पकड़ भाई इसको। तो ये आप एक्टिविटी रेशियो बुक से भी देख सकते हो। ITR COGS डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट डिवाइड बाय एवरेज। तो ये मैंने आपको कॉपी से बता दिया है। जब भी आप किसी भी रेशियो पे अटको तो इस चार्ट पर आ जाइए, पेज नंबर 4.92, यहाँ से फॉर्मूला देखो और फिर अपना प्रैक्टिस करो।
बस यही तो टेक्निक होती है रेशियो पे प्रैक्टिस करने की, पकड़ बनाने की। लेकिन आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, ज्यादा है बट टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, तो इसलिए प्लीज ट्राई जरूर कर ले। ठीक है जी।